शाह हाउस में अनुज का भव्य स्वागत, जोरदार स्वागत। खून के घूंट भर के रह गया वनराज शाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज की एंट्री हो गई है डिम्पी की शादी में, और क्या जोरदार एंट्री, क्या जोरदार स्वागत। वनराज शाह तो ऐसा लग रहा था कि भीड़ का हिस्सा बन के रह गया। बात करते हैं इसके ऊपर, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज का आते ही पहले अनुपमा से स्वागत हुआ, उसका अपना प्यार उसकी गोद में था, इससे अच्छा स्वागत तो और क्या ही हो सकता है। बड़ा ही प्यारा सीन, अपनी इस उलझन को वो सुलझाना ही नहीं चाहते थे कि जिस डोर में हम लोग बंधे हुए हैं वो डोर अब सुलझे ही ना, ऐसा कुछ लग रहा था, इसीलिए वो सुलझा नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे जो वनराज शाह ने एंट्री मारी है बड़ी जोरदार, मजा आ गया। वैसे आज मुझे वनराज शाह थोड़ा यहाँ पे ठीक लगा कि जैसे वो गाना गाता गाता आया ना, दिल है के मानता नहीं, मतलब ये एक जो ट्रायंगल है इसमें बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। पता नहीं आप लोगों को आया या नहीं आया, मगर मुझे ये तंज वनराज शाह का बड़ा अच्छा लगा। और जैसे उसने एंट्री मारी कि चलो कभी कभी अपनी कड़वाहट को संगीत के जरिए भी निकाल दो भाई तो अच्छा लगता है, तो अच्छा लगा। स्माइल के साथ वो जो गाने गा रहा था, अनुज अनुपमा अपनी डोरी सुलझा रहे थे, मगर उसमें आद्या का आके जो उसने किया वो ठीक है, चलो हो गया। बट यहाँ पे जोरदार स्वागत मैंने इसलिए कहा क्योंकि वनराज शाह इतना करके बापूजी ने मना कर दिया तो वनराज शाह पीछे खड़ा था। इसके बाद अनुज के साथ बापूजी की जो जोरदार स्वागत हुआ, फिर बा ने भी बड़ा जोरदार स्वागत किया, बा ने भी अनुज को वेलकम कहा, जबकि मुझे लगता था कहीं ये उल्टा ना बोले बा, क्योंकि बा हमेशा उल्टा ही बोलती है, जो भी गेस्ट होंगे उनको उल्टा ही बोलेगी, क्योंकि ये वनराज शाह का गेस्ट तो है नहीं। ये तो हो गया। उसके बाद जो वनराज शाह ने तानों का सिलसिला शुरू किया दोस्त दोस्त करके, अनुज ने जो जवाब दिया, अनुज तो जवाब दे रहा था मगर जैसे उसने अनुपमा को देखा, अनुपमा ने वही पति पत्नी वाला टच हमें दिखाई दिया। मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अनुज का जोरदार स्वागत मान रही हूं, क्योंकि अनुपमा हर पल अनुज के साथ थी, चाहे सामने इशारे करते हुए कि मत बोलो, इससे पंगा मत लो, ये सब करते हुए कि बाकी लोग बच्चे खड़े हैं, वो इशारों इशारों में बताते हुए, और अनुज का इशारों इशारों में कहते हुए कि कोई बात नहीं, आई विल हैंडल। तो जो कुछ वनराज शाह के साथ उसके टक्कर हुई वो तो मजेदार थी ही, वनराज शाह को तो लाजवाब कर ही दिया अनुज ने अपने डायलॉग से अपनी बातों से, मगर असली लाजवाब किया डिम्पी ने, क्योंकि जब डिम्पी आके मिली अनुज को और उसने साफ साफ कह दिया कि अब मुझे लगता है कि मेरे पापा आ गए हैं, पिता की कमी पूरी होगी, तो वनराज शाह की शक्ल देखने वाली थी। वो तो तब से इतनी कोशिश कर रहा है डिम्पी का फ्यूचर बचाने के लिए, पिता बन बन के बोल बोल के थक गया है कि मैं हूं डिम्पी का पिता, मगर असली पिता तो अब आया है जो डिम्पी की खुशियों का भी ध्यान रखेगा। तो इसीलिए डिम्पी को सिक्योर फील हो रहा है कि अब मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि वनराज शाह से उसको कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वनराज शाह पहले अंश का दादा है फिर जाके डिम्पी का नंबर आता है। तो आज तो वनराज शाह वाकई में खून के घूंट भर के रह गया, क्योंकि कन्यादान वाली जो बात उसने की थी वहां पे अमेरिका में, वहां पे अनुज ने कहा था मैं कन्यादान करूंगा, तो उसने कहा नहीं नहीं कन्यादान तो मैं ही करूंगा, तो अनुज ने कहा तुम कर लो, इसमें लड़ाई किस बात की है। मगर अब लगता है कन्यादान होगा और अनुज ही करेगा, क्योंकि डिम्पी अनुज को पिता मानती है। तो ये जो जोरदार स्वागत हुआ है, वाकई में मजा आया, ऐसा लगा कि कोई वाकई में कोई वीआईपी गेस्ट आया है, जिसको देख के सब लोग खुश हो गए, कुछ लोगों को छोड़ के, जो लोग छूटे हैं, जो लोग खुश नहीं हुए वो भी कुछ बोल नहीं पाए, तो मजेदार था ये सारा। क्या कहते हो आप, मजा आया? कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.